हर दिन की चांदनी है फिर काली रात है, कल जाएगी ये जवानी सोचने की बात है। संग रहेगा तेरा प्यार। मेरा यही अंदाज इस मतलब इस जमाने को खलता है कि दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद ये बंदा सीधा। सलमान खान की जितनी भी फिल्में आने वाली हैं वो मुर्गदा के साथ हो या फिर विष्णु वर्धन वाली दाबूल हो या फिर वो बब्बर शेर को लेकर नाम आ रहा है, अली अब्बा जफर भी बहुत जल्द उनके लेकर एक स्क्रिप्ट पे काम करने वाले हैं, टाइगर वर्सेस पठान तो है ही है, उसके बाद बीच में सूरा पड़ जाता है कि फिल्म को लेकर अभी कोई ऐसी क्लेरिफिकेशन नहीं आई है कि सलमान खान वो फिल्म नहीं करेंगे, उनकी तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, समझ रहे हो, तो इसलिए उसके लिए भी नहीं बोल सकते हो कि नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि सलमान खान की दो फिल्में बीच में और हैं जो बहुत बड़ी सरप्राइज करने वाली हैं, बहुत जबरदस्त, जैसा कि मैंने बोला था तो ये मुर्गदास वाला आपको झटका मिला है, तो दो झटके और बाकी हैं, वो भी जब कल कंफर्म कर देंगे सलमान भाई ना, तो कसम से बता रहा हूं मैं, क्या माहौल हो गया है, क्या दिन होगा, क्या पल होगा, क्या मोमेंट होगा उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब पता चलेगा ना तो आप खुद हिल जाओगे यार। मतलब सलमान खान मैं सोचता हूं ना कि अगर बेहतरीन इंसान डायरेक्टर मिल जाए उसको, बेहतरीन डायरेक्टर को उसको मिल जाए ना, तो कसम बता रहा हूं ये बंदा सारा सिस्टम हिलाने का मादा रखता है। ये जलवा है सलमान खान का, ये पावर है सलमान खान का, मतलब दीवानगी पूछो नहीं, अनलिमिटेड है, कोई उसके आगे टिकता ही नहीं है। ये बंदा है सलमान खान, जिस महफिल में गुजर जाए वो सलमान खान ही दिखता है, ये सलमान खान है यार। तो सलमान भाई वो दो फिल्मों का अनाउंसमेंट कर दें तो बहुत मजा आएगी यार, मैं क्या बोलूं इसके लिए यार, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता यार, बट आप थोड़ा सा वेट करो यार, आपको बहुत जल्द बहुत बड़ी सरप्राइज मिलेगी, 100% जो बोलता हूं होता जरूर है, फेक न्यूज नहीं होती, ठीक है। तो वीडियो चलिए, वीडियो